नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A59 5G वर्सेस Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Oppo A59 5G में 6.45 इंच जबकि Note 13 Pro 5G में 6.34 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Oppo A59 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Oppo A59 5G में 2.96 इंच जबकि Note 13 Pro 5G में 2.92 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Oppo A59 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Oppo A59 5G में 0.32 इंच जबकि Note 13 Pro 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो वेट दोनों फोन का सेम ही 187 ग्राम वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Oppo A59 5G में IPS LCD जबकि Note 13 Pro 5G में OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Oppo A59 5G में 6.56 इंचेस जबकि Note 13 Pro 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Oppo A59 5G में 720x1612px HD+ और Note 13 Pro 5G में 1220x2712 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo A59 5G में 84.46% जबकि Note 13 Pro 5G में 89.86% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Oppo A59 5G में 269 पिक्सल प्रति इंच जबकि Note 13 Pro 5G में 446 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Oppo A59 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Note 13 Pro 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Oppo A59 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Note 13 Pro 5G की बात करें तो उसमें 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Oppo A59 5G में Mali G57 MC2 जबकि Note 13 Pro 5G में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Oppo A59 5G में MediaTek Dimensity 6020 और Note 13 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 मिलता है। बात करें RAM की तो Oppo A59 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB 6 GB की रैम मिलती है जबकि Note 13 Pro 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB 12 GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Oppo A59 5G में 128 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Note 13 Pro 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB 256 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Oppo A59 5G में अप टू 1 TB जबकि Note 13 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी Oppo A59 5G में 5000 mAh जबकि Note 13 Pro 5G में 5100 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Oppo A59 5G में 2 कलर्स जबकि Note 13 Pro 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Oppo A59 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीज, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीज में मिल जाता है। वही अगर बात करें Note 13 Pro 5G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,230 रुपीज, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीज, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीज में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Oppo A59 5G में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Note 13 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 5G है, दूसरा Moto G Zero 4G है, तीसरा Realmi 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realmi Narzo N65 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।